ओके क्या आपका भी बजट यार 20 से लेके 30 हज़ार के बीच में है और आप एक अच्छा डीएसएलआर मार्केट में ढूंढ रहे हो कि अभी के टाइम पे यार 20 से लेके 30 हज़ार के बीच में सबसे अच्छा डीएसएलआर कौन सा है। तो आज मैं आपको दो ऐसे डीएसएलआर बताने वाला हूँ जो कि अभी के टाइम पे आप ले सकते हो अगर आपका बजट 20 से लेके 30 हज़ार के बीच में है। तो अब बस यार आपको इस वीडियो को देखना है लास्ट तक। टू बी ऑनेस्ट ये DSLR भाई मैं खुद यूज़ किया हूँ और अगर आपका बजट अभी 20 से लेकर 30 हज़ार के बीच में है तो आप ये DSLR डेफिनेटली ले सकते हो। दोनों बहुत अच्छे DSLR हैं। कौन से DSLR है सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में हम। तो चलो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो को ही स्टार्ट कर लिया जाए। ओके अब बात कर लेते हैं पहले नंबर लिस्ट के बारे में। अब देखो जो मैंने पहले नंबर लिस्ट पे लिया वो है कैनन का DSLR कैनन 3000D। टू बी ऑनेस्ट अगर आपका बजट अभी 20 हज़ार से लेकर 30 हज़ार के बीच में ही है तो आपके लिए ये DSLR बेस्ट हो सकता है। इसमें आपको 18-55 लेंस मिल जाता है और यहाँ पे आपको वाईफाई का फीचर मिल जाता है इस DSLR में, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल फोन्स में कनेक्ट करके भाई फोटोज वगैरह निकाल सकते हो अपने मोबाइल फोन्स में। तो ये मुझे अच्छा लगा इस प्राइस रेंज में। और आपको इसमें फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है जो कि 30 FPS में आप रिकॉर्ड कर पाएंगे फुल HD वीडियो और ये आपको 18 MP का मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है इस प्राइस रेंज में आपको भाई इतना ज़्यादा फीचर्स मिल रहा है इस DSLR में। तो अगर आपका बजट अभी 20 हज़ार से लेकर 30 हज़ार के बीच में तो डेफिनेटली आप ये वाला DSLR चेकआउट कर सकते हैं। वैसे इसकी रियल प्राइस भाई 25 हज़ार अमेजोन पर दिखा रहा है 25 से लेकर 26 हज़ार, लेकिन अगर आप लोग कार्ड वगैरह यूज़ करते हो तो आपको और ज़्यादा सस्ती पड़ जाएगी। अगर आप लोग ऑफर वगैरह में लेते हो तो आपको और ज़्यादा सस्ती पड़ जाएगी। तो समझ लो अभी आपके लिए ये बेस्ट DSLR हो सकता है अगर आपका बजट अभी के टाइम पे 20 हज़ार से लेकर 30 हज़ार के बीच में ही है तो आपके लिए ये DSLR बेस्ट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर लिस्ट के बारे में। अब देखो जो मैंने दूसरे नंबर लिस्ट पे लिया वो है कैनन का DSLR 1300D। टू बी ऑनेस्ट अगर आपका बजट अभी इसके बीच में ये 20 हज़ार से लेकर 30 हज़ार के बीच में तो ये भी DSLR आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसमें भी आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो विद 30 FPS और वाईफाई का फीचर मिल जाएगा इसमें भी आपको, और ये भी आपको भाई 18 MP मिलेगा। तो अभी भी आप ये भी DSLR ले सकते हो भाई 1300D। टू बी ऑनेस्ट ये दोनों DSLR अभी के टाइम पे अगर आपका बजट 20 से लेके 30 हज़ार के बीच में है तो आप ये दोनों DSLR ले सकते हो। इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा है। दोनों DSLR फोटो के लिए माने जाते हैं, ये DSLR आपको वीडियो के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बनाते हो तो बना सकते हो। लेकिन अगर आप लोग वीडियो वगैरह के लिए ले रहे हो तो शायद आपको इससे भी थोड़ा प्राइस ऊपर जाना पड़ेगा, फिर आपको एक अच्छा DSLR मिल पाएगा। लेकिन अगर आपका बजट अभी इतना ही है तो आप ये DSLR ले सकते हो। आप थोड़ा बहुत इनमें वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो जैसे फुल HD में। तो ये DSLR दोनों बेस्ट है, लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन मिलेगी, आप जाके खरीद सकते हैं। अगर आपको खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस आपको लिंक पे क्लिक करना, बस आप जाके वहां से खरीद सकते हैं। तो बस यार वीडियो यहीं पे खत्म कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं जरूर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना इस वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी आपको इस प्रकार के वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहे। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।